हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की अगली क्लास के बारे में। मैंने आप लोगों को प्रोटीन के बारे में तीन सीरीज दी है अभी तक। प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है तीन सीरीज है। आज चौथी सीरीज में हम लोग क्या बात करेंगे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो, पहले सीरीज में हमने बात किया था कि प्रोटीन का क्या बिल्डिंग ब्लॉक है, मीन्स अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। दूसरी सीरीज में हमने अमीनो एसिड बॉन्ड कैसे बनाता है उसके बारे में डिस्कशन किया था, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स कौन कौन से वो देखा था। तीसरी सीरीज में हमने प्रोटीन की फोल्डिंग देखी थी। अब आज हम लोग क्या देखेंगे, प्रोटीन के फंक्शंस, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये सब बेसिस देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो प्रोटीन के इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए प्रोटीन को हर चीज़ को क्लासिफाई करना ज़्यादा बेटर है। तो हम चलिए करते हैं सबसे पहला काम कि प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं। अब हमें ये पता है कि जब हम प्रोटीन को क्लासिफाई करेंगे तो कोई बेस होना चाहिए, तो हम यहाँ पर ना तीन बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक, पहला बेसिस क्या होगा, ये होगा इसका शेप। ठीक है, शेप की बेसिस पे। दूसरा बेसिस होगा इसके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, ध्यान देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चंस भी हम लगे यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। तीसरा क्या है, इसका इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल। ठीक है, इस बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो पहला बेसिस है दैट इज शेप के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे जब हम देखते हैं तो ये जो आपका प्रोटीन है ना, दो टाइप के आते हैं। पहला कौन सा आता है, ग्लोबुलर, आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है दैट इज थ्रेड लाइक, दैट इज फाइब्रस। ठीक है, ये दो हो गए, ओके, FIBROUS। ठीक, ओके। अब ये जो ग्लोबुलर, ग्लोबुलर का मतलब क्या है, हैविंग स्फेरिकल इन शेप, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, अच्छा, दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है ये है कि देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं। फाइब्रस के स्ट्रक्चर को बेसिकली कैसे मेंटेन किया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे ही मेंटेन होते हैं, बैलेंस, ज़्यादा स्टेबिलिटी किस पे रहती है। स्टेबिलिटी नहीं कहने का मतलब कि फाइब्रस प्रोटीन में जो मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ध्यान देना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जबकि ग्लोबुलर में कौन होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में ग्लोबुलर में हीमोग्लोबुलिन आपने देखा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। मैंने कहा टर्शियरी स्ट्रक्चर, यहाँ से कोरिलेट कर लीजिए, जहाँ टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ, डीनेचर हुए, प्रोटीन विल, सॉरी, एंजाइम विल स्टॉप वर्किंग। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर और ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन नेचर। अच्छा, नेक्स्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, दैट इज ग्लूटेलिन, दैट इज प्रेजेंट इन वीट। ये भी आपका कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ग्लोबुलर है कि नहीं है, आएगा क्वेश्चन वीट में कौन सा प्रोटीन है, दैट इज ग्लूटेलिन। एक और होता है ग्लियाडिन, जो कि हम लोग थोड़ी देर के बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। अब आ जाता है फाइब्रस। फाइब्रस में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करना है, फर्स्ट इट इज फाइब्रोइन। अच्छा, फाइब्रोइन कहाँ पाया जाता है, फाइब्रोइन पाया जाता है आपके सेल्फ प्रोटीन में, साथ तो हम इसे सेल्फ प्रोटीन इन शॉर्ट बोल देते हैं। अच्छा, दूसरा आपने नाम सुना होगा फाइब्रिन, ध्यान दीजिएगा फाइब्रिन और फाइब्रोइन में फर्क है। फाइब्रिन कहाँ सुना है, जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन में, तो ये हो गया क्लॉटिंग में। देन थर्ड आपका जो दैट इज इम्पॉर्टेंट वन, कोलेजन, सुना होगा आपने, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज कोलेजन को लेकर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, कोलेजन इट इज़ अ मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। अगर क्वेश्चन आया कि आपका मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन क्या है, तो दैट इज कोलेजन। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका, रुबिस्को। रुबिस्को का मतलब क्या है, RUBISCO, मतलब रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये हो गया आपका, इट इज़ योर मोस्ट अबंडेंट, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। लेकिन अगर आ जाएगा मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन, तो ये है भाई साहब आपके कोलेजन। ठीक है,
फिर आपका चौथा व्यायाम, तो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कहाँ से गलती के चांसेस होते हैं, तो फाइब्रिन, फाइब्रिन कोलेजन हो गया, एक्टिन मायोसिन आपने पढ़ा ही है, मसल प्रोटीन होता है, ठीक, एक्टिन एंड मायोसिन। अच्छा एक और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो है लिगामेंट, है ना, तो ये जो लिगामेंट है इससे बनता है, इलास्टिन से बनता है, ठीक है, और इलास्टीन प्रोटीन बनाता है आपका लिगामेंट, ठीक है। ये लिगामेंट क्या होता है भाई, लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है, पहला क्वेश्चन, लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है, बोन से बोन को जोड़ता है, हम कैसे याद रखेंगे, बी एल बी बल, ठीक है, बल, बोन टू बोन, इट इज लिगामेंट। तो ये हो गए आपके फाइब्रस के बारे में पॉइंट्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन देंगे ताकि ये पूरे टॉपिक आज खत्म कर लें और इस सीरीज में प्रोटीन के बारे में सारे डिस्कशन हो जाए, ओके। ये चार सीरीज जो प्रोटीन से लेकर के मैंने दी है आपको, जो भी लास्ट वाली देने जा रही हूँ फोर्थ वाली, ये अगर आपने देख लिया तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के निकलने निकलने हैं, आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं हम वो पढ़ा रहे हैं जो कि आने हैं एग्जाम में, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ा रहे हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया शेप के बारे में, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो होता जाए ना उसको इरेज कर दे जाओ तो लोड खत्म होता है आपके जो दिमाग पर पड़ता है कि भी कितना बचा है। अब आ जाते हैं कंपोजिशन के बेसिस पे, जो कंपोजिशन है मतलब ये किस चीज़ का बना हुआ, कंपोजिशन के बेसिस पे हम देखेंगे तीन। पहला कौन सा हो जाएगा आपका कंपोजिशन में, कि भाई सारे जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे क्या होंगे, अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, तो वी कैन कॉल इट होलो, होलो मतलब पूरा का पूरा क्या है, केवल प्रोटीन है। अच्छा दूसरा क्या है, हेटेरो प्रोटीन, इसके कहने का मतलब ये है कि भाई पूरा प्रोटीन नहीं, हेटेरो भी है, मीन समथिंग इज डिफरेंट, ठीक है, अदर देन प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, मीन समथिंग नॉन प्रोटीनेशियस इज ऑल्सो प्रेजेंट, एंड देन द लास्ट इट इज डिराइव, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें डिफरेंस है, इसमें डायरेक्ट प्रोटीन या अमीनो एसिड से नहीं डिराइव होगा, उसके पार्शियल डाइजेशन के बाद जो मिलके आते हैं, जैसे आपके पेप्टोन्स होते हैं ना वो सब आते हैं डायरेक्ट में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं होलो प्रोटीन, होलो प्रोटीन में मैंने क्या कहा, सारे अमीनो एसिड्स हैं, तो इसको ना हम सिंपल प्रोटीन भी कह सकते हैं, कह दिया हमने। जब हम इसका फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आना है, जब हम इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, अमीनो एसिड, सारे क्या मिलेंगे, अमीनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाता है दूसरा क्वेश्चन आपका हेटेरो प्रोटीन। अच्छा भैया हेटेरो प्रोटीन में क्या है, एक तो आपका प्रोटीन पार्ट है जी, ओके, दूसरा आपका कौन सा पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया, तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे कि ये है कहलाता प्रोस्थेटिक ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोस्थेटिक ग्रुप को याद रखना, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एपो प्रोटीन, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, हेटेरो प्रोटीन। अच्छा तो प्रोस्थेटिक ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, मेटल्स भी हो सकते हैं, तो उस प्रोस्थेटिक ग्रुप के बेसिस पे चलिए इसको क्लासिफाई करते हैं, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये हो गए आपके कौन, जो है आपके हेटेरो प्रोटीन, वो है कई टाइप के। चलो सबसे पहला देखते हैं क्या हो सकता है, अगर लिपिड प्रोस्थेटिक ग्रुप हो तो क्या बोलेंगे, लाइपोप्रोटीन, ठीक है, लाइपो प्रोटीन बोल दिया भाई, लाइपो प्रोटीन। अच्छा अब अगर मान लीजिए आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, चलो बोल दिया ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल दिया, ठीक। अब अगर मान लीजिए आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे, बोल दिया न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोल दिया। अब अगर मान लीजिए आपका फॉस्फेट ग्रुप हो गया तो क्या बोलेंगे, फॉस्फो प्रोटीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉस्फो प्रोटीन बोलेंगे, ठीक। अगर कलर हो गया तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे क्रोमो प्रोटीन बोलेंगे। चलिए अगर आपका कलर के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट मेटल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, मेटलो प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया लाइपो प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, फॉस्फो प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन एंड
मेटल और प्रोटीन एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जब प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या हुआ, लिपिड हुआ, तो कहाँ पाया जाएगा, आपके एग योग में पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, एग योग। अच्छा, और इम्पोर्टेंट क्या, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, ठीक। ग्लाइकोप्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको केवल याद रखना है, म्यूसिन। म्यूसिन कहाँ पाया जाता है, सलाइवा में, ठीक है ना, जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलते हैं, जिसमें कि आपके सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी होता है, तो उसमें जो म्यूसिन होता है इम्पॉर्टेंट, म्यूसिन इन सलाइवा, ये किसका एग्जाम्पल है, ग्लाइकोप्रोटीन का। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, म्यूसिन इन सलाइवा, राइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या है, देखो डीएनए होता है, डीएनए की फोल्डिंग होती है कि नहीं, वरना तो लंबा सा थ्रेड है न्यूक्लिक एसिड का, पॉली न्यूक्लियोटाइड जिसको हम कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड का लंबा सा एसिड, तो इसको हमें करना पड़ता है क्या, समेटना पड़ता है ना, फोल्डिंग करनी पड़ती है। कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन के साथ क्या जुड़ गया, न्यूक्लिक एसिड जुड़ गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन कहेंगे। तो इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किसका एग्जाम्पल हो, न्यूक्लियो प्रोटीन का, राइट। तो ये हो गया क्रोमोसोम। इसको समझने के लिए आपके लिए अच्छा तरीका है, डीएनए प्लस हिस्टोन इसमें होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, एपोप्रोटीन का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक प्रोटीन है। इसमें कौन, यही पे फैक्ट बता रहे हैं, हिस्टोन इट इज अ बेसिक प्रोटीन, बेसिक नेचर में होता है, डीएनए एसिडिक नेचर में। जो हिस्टोन प्रोटीन है बेसिक नेचर में क्यों है, क्योंकि इसमें आर्जिनिन और लाइसिन बहुत ज़्यादा, ये दोनों बेसिक अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन केवल किसकी खास बात है, यूकेरियोटिक सेल की खास बात है। प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिक प्रोटीन तो पाए जाएंगे, बट इट इज़ नॉट योर हिस्टोन प्रोटीन। फिर लास्ट पॉइंट हिस्टोन के बारे में, इट इज़ हाईली कंजर्व, मतलब कि जो प्रोटोजोआ में हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा है, वही हम लोगों में भी पाया जाएगा। तो कितने पॉइंट्स बताए हिस्टोन को लेकर, फटाफट से देखो, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर का, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक क्यों है, क्योंकि इसमें आर्जिनिन और लाइसिन पाया जा रहा है। हिस्टोन प्रोटीन क्यों, यूकेरियोटिक सेल में पाया जा रहा है। हिस्टोन प्रोटीन आपकी पैकेजिंग में हेल्प करता है। फिर हिस्टोन की जगह प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, वो भी फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, बट दे आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन, दे आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। नाउ ये हो गया, ये दोनों मिलकर के फोल्डिंग में हेल्प किया, उन्होंने क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया। अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका फॉस्फोप्रोटीन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन का मतलब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो कहाँ पे बेस्ट एग्जांपल क्या, मिल्क प्रोटीन। अब यहाँ पे दो चीज़ याद है, मिल्क की शुगर भी होती है, मिल्क का प्रोटीन भी होता है। मिल्क का शुगर कौन सा है, लैक्टोज, बताया था पहले की क्लास में भी, लैक्टोज शुगर इज द मिल्क प्रोटीन। यहाँ पे कैसी, कैसीन इज अ मिल्क प्रोटीन हैविंग फॉस्फेट ग्रुप, याद रखना है, भूलना नहीं है, आने वाला एग्जाम में कैसीन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा हो गया, अब आता है क्रोमो। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर। तो वो प्रोटीन जो कि क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कलर प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ भी प्रेजेंट है। जैसे आपकी ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होगा, हीमोसियानिन। ये किस कलर का होता है, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। प्लास्टोसियानिन ये आपके प्लांट्स में पाए जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होगी प्लास्टोसियानिन, ठीक। क्या है, पिगमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया क्रोमोप्रोटीन। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेटलोप्रोटीन। मेटलोप्रोटीन देखो भाई, आपके वो प्रोटीन्स जो कि जिसमें क्या पाया जा रहा है, मेटल। यहाँ पे तीन चार एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट याद करना। पहला एग्जांपल याद करो कैटालेज, क्या याद कर लिया आपने, कैटालेज। जो कैटालेज है हाईएस्ट टर्नओवर है, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्या है इसका हाईएस्ट टर्नओवर नंबर। कैटालेज का जो मेटल है कौन सा मेटल है, Fe, याद रहेगा। कैटालेज का मेटल कौन सा है, Fe। दूसरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है नीट वालों का, CUET वालों का, सबका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है उसका प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या है, मेटल, ये तो ठीक है, लेकिन क्या है, दैट इज जिंक। तो दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कौन है भाई इसका, जिंक, ठीक है। मैंने क्या बताया, कैटालेज, कैटालेज में आयरन पाया जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसमें क्या पाया जाएगा, जिंक पाया जाएगा। नाइट्रोजिनेज तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जो नाइट्रोजिनेज है ना उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें पाया जाएगा मॉलिब्डेनम, ठीक है। कितना क्लियर हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन यहाँ से यहाँ तक, तो हमने यहाँ तक की बात पढ़ी। अब हम देखते हैं डिराइव, डिराइव में मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, बस इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो कि प्रोटीन के पार्शियल, याद रखिएगा क्या बोल, पार्शियल डाइजेशन
या फिर आपका पार्शियल डाइजेशन बोले या फिर बोले पार्शियल डीनेचुरेशन, पूरी तरीके से नहीं हुआ, पार्शियल डीनेचुरेशन से बने हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोटीन। एग्जाम्पल याद करो कि जो फाइब्रिनोजन होता था वो एक्टिवेट होता था, तब फाइब्रिन में कन्वर्ट होता था कि नहीं, तो उसका कुछ पार्ट हटता था ना, तो दैट इज, ठीक है, तो याद रहेगा फाइब्रिन। दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या हो जाएगा, पेप्टोन्स, पेप्टाइड का डाइजेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, पूरी तरीके से तुरंत अमीनो एसिड मिल जाता, तो वो क्या होता है, जो पेप्टोन्स बन के आते हैं दैट इज योर डिराइव्ड प्रोटीन। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल रोल के बेसिस पे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लीजिए, हम लोगों ने एक बार ही फटाफट से एक बार नजर डाल देते हैं, लाइकोप्रोटीन में क्या था, सेल मेम्ब्रेन था, एग योक था, ग्लाइकोप्रोटीन में म्यूसिन जो कि सलाइका में पाया जाता है, न्यूक्लियर प्रोटीन में मैंने क्रोमोसोम के बारे में बताया था कैसे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिलता है, फॉस्फोप्रोटीन में मैंने कैसिंग बताया था, और फिर आपको क्रोमोप्रोटीन में इन तीनों के बारे में बताया था, हीमोग्लोबिन रेड कलर होता है, हीमोसाइनिन था, फिर प्लास्टोसाइनिन था, फिर मेडुलर प्रोटीन, इन तीनों के बारे में बताया था। आई एम वेरी मच श्योर कि ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में आएंगे। आपको चैलेंज करके देते हैं कि जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं आप PYQs को उठा करके देख लीजिए, या फिर ऐसे सर्च करिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ है, देन यू विल फाइंड दैट ऑल द फैक्ट्स आर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बायोलॉजिकल रोल के बेसिस पर देखेंगे कि ये जो बायोलॉजिकल फंक्शन करते हैं या इन प्रोटीन्स का जो बायोलॉजिकल रोल है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रोल करते हैं, उस बेसिस पर डिस्कशन करते हैं, क्या क्या हो सकता है, किसी का क्या काम हो सकता है, सोच के देखो। स्ट्रक्चरल हो सकता है, अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, एंजाइमेटिक हो सकता है, जो आपको पता है आसानी से उसको देखो, फिर क्या हो सकता है, प्रोटेक्टिव हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, और क्या हो सकता है, और ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, ये भी हो सकता है, रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है, और ही क्या कर सकता है, देखो ध्यान नहीं आ रहा है, याद आता जाएगा तो बताते जाएंगे, क्या हो सकता है, ग्लोबुलर हो गया, फंक्शनल हो गया, दैट्स ऑल। चलो स्ट्रक्चरल के बेसिस पे, कोलेजन, केराटिन, ये सब किस में आ रहे हैं, आपके स्ट्रक्चरल बेसिस से तो है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, आपके फाइब्रिन देखा था हम लोगों ने, स्टोरेज भी देख लेते हैं, टॉक्सिक भी देख लेते हैं, और कौन कौन से जो याद आएंगे देखते चलेंगे। तो फाइब्रोइन याद है ना, सेल प्रोटीन था, अच्छा फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन बताया था, फिर हम लोगों ने याद किया था इलास्टिन, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें, एक और हम कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, अच्छा ये हो गया लगभग इतना मतलब नहीं डिस्कस करेंगे ज़्यादा। स्ट्रक्चरल में केराटिन प्रोटीन ही आपके बाल हो गए, नाखून हो गए किसके, यहाँ पे केराटिन से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना है कि केराटिन में क्या पाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये रहा आपका केराटिन, और ये रहा आपके नेल्स, हेयर्स, जो काऊ होती है ना, या फिर जो भी कैटल जिनमें वो हॉर्न होते हैं, ठीक है, तो उनकी सींग और हूप्स, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको होता है, जो राइनोसेरोस की नोज होती है, ठीक है ना, वो पता है कैसे बनती, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली कंप्रेस्ड केराटिन, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, हाईली कंप्रेस्ड केराटिन से क्या बनता है, क्या राइनो अंकल की नाक बनती है, ठीक है, राइनोसेरोस की नोज बनती, राइनो अंकल याद है कि नहीं आपको, ब्लैक पांडा मूवी में था, ओके खैर। तो ये हो गया आपका, अब आ जाता है स्ट्रक्चर के बाद हम आ जाते हैं एंजाइम। तो देखो सारे एंजाइम प्रोटीन है, सदा सर्वदा सत्य है, बस एक चीज छोड़ करके राइबोसाइम इज एक्सेप्शन, दैट कि ये है तो एंजाइम लेकिन ये प्रोटीन नहीं है, तो प्रोटीन नहीं है तो क्या, प्रोटीन नहीं है तो ये आरएनए है जिसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, तो राइबोसाइम को छोड़ करके सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। यहाँ पे आप ये तो हो गया फैक्ट, बस एक्सेप्शन में देख लेना, एक्सेप्शन मैंने क्या बताया इस वाले पॉइंट के अंदर, एक्सेप्शन में बता दिया आपको राइबोसाइम जो है क्या है, वो राइबोसाइम ये है आरएनए हैविंग कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक, अच्छा अब आ जाता है प्रोटेक्टिव, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक। तो
तो प्रोटेक्शन कौन करता है? एंटीजेंस आते हैं, एंटीबॉडी फाइट करती हैं। एंटीबॉडीज क्या होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? गामा ग्लोब्यूलिन्स, या फिर आपको ये भी ध्यान देना, या फिर आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन। प्रोटेक्टिव में हो गया। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में आपके ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? एचबी क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, गैस ट्रांसपोर्ट में। ठीक है जी, याद हो गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ग्लूट फोर, चूंकि आपके एनसीईआरटी में ना दिया हुआ है, साइड में जो चार्ट बना है बॉय मॉलिक्यूलर में, ग्लूट फोर किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है, याद रखना, भूलना नहीं। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर दिया जी मैंने, ठीक है। हार्मोन, इंसुलिन भूलना नहीं है, कई बार याद करो, जब क्वार्टनरी स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, दो अल्फा और दो बीटा से बन करके क्या बन रहा था? इंसुलिन, याद है ना। जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का था, उसमें एक ही तरीके के अमीनो एसिड प्रोटीन हो पॉलीपेप्टाइड ना होकर के दो अलग अलग टाइप की अगर आ जाती तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इंसुलिन जो होता है आपकी क्या होते हैं कि दो अलग अलग चेन से बनकर मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन कौन सी, सॉरी शायद मैं गलती से बोल गई, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दो अलग अलग चेन होती है, दो अल्फा और दो बीटा होती है। अच्छा इंसुलिन क्या होता है मैडम? तो इंसुलिन जो होता है ना वो ए बी सी होते हैं, जिसमें कि सी वाले को हटा करके ए और बी जो होते हैं तो एक्टिव जाता है, उसको मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में बताऊंगी। तो यहाँ पर भी तीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं इंसुलिन में, ए बी सी, ठीक है, क्लियर। इनएक्टिव फॉर्म में, जब एक्टिव फॉर्म में हो जाता है तो क्या होता है? ए और बी होता है। ध्यान से देखिए, यहीं पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई। ये ए, ये आपका बी, और यहाँ पे आ गया आपका सी, ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि ये भी इनएक्टिव इंसुलिन रहता है, जब ये हटा दिया जाता है तो यही पे क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंसुलिन हार्मोन है उसका नेचर क्या है? प्रोटीन नेचर, ठीक है। रिसेप्टर का काम करता है लिम्फोसाइट वगैरह पे होता है, ब्लड पे। अब आपका आ जाता है स्टोरेज, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो देखो मिल्क प्रोटीन होता है, फिर उसके बाद आपका मैंने बताया था वीट में, वहाँ पर ग्लोबुलिन प्रोटीन में ग्लूटेलिन बताया था, यहाँ पे ग्लियाडीन, दैट इज इम्पॉर्टेंट, और जीन प्रोटीन मेज में। ये तीनों क्या है? स्टोरेज प्रोटीन है। क्या क्या बताया मैंने? पहला बताया कैसी, दैट इज मिल्क प्रोटीन, ठीक है। दूसरा बताया मैंने ग्लियाडीन, वीट में पाया जाता है। तीसरा बताया मैंने जीन, जो कि किस में पाया जाता है? मेज में पाया जाता है। कैसे याद करो? ये जिया मेज नाम होता है साइंटिस्ट, तो यहाँ से आता है, ठीक है। टॉक्सिक में आपके जो स्नेक वगैरह के वेनम होते हैं वो क्या है? प्रोटीनिशियस होते हैं, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आप लोगों का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में कौन कौन से आ जाएंगे? एक्टिव माइसिन सब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में भाई, तभी तो मसल कंट्रैक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सब लोगों ने डिस्कस कर लिए, कुछ रह गया होगा तो बायो मॉलिक्यूल के आगे वाले टॉपिक पे कहीं ना कहीं आ जरूर जाएगा। ये चारों क्लासेस जो थी, जो सीरीज है पूरी प्रोटीन से रिलेटेड, आई थिंक देयर इज एवरीथिंग अबाउट प्रोटीन विच यू शुड नो एट योर लेवल। अगर आप नीट या सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं, इवन एट पीजी लेवल, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेलेक्शन। प्लीज़ गो थ्रू इट, वेयर एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट नोट इट डाउन, स्क्रीन शॉट लो, बार बार पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, ये मेरी क्लासेस देख लो, मोर देन सफिशियंट है। एनसीईआरटी पढ़ना, मेरी क्लासेस देखना, क्योंकि इन क्लासेस में मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कहीं कहीं एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने इतना देख लिया ना, मोर देन सफिशियंट है। कोई एग्जाम नहीं जाएगा जिसमें आपका सिलेक्शन ना हो। फेथ करिए एंड यू विल गेट योर डेस्टिनेशन, व्हाटएवर यू जस्ट विश। Thank you very much, students.